हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने पंजाब के चंडीगढ़ पर दिए बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण है। यमुनानगर में त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन लेना हरियाणा का हक है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब चंडीगढ़ बसा उस समय पंजाब हरियाणा हिमाचल तीन राज्य बन गए। उन्होंने कहा कि उस समय हरियाणा की हिस्सेदारी 40% से पंजाब की 60%। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हरियाणा का 40% नहीं दिया, हरियाणा के पास जगह नहीं है, इसलिए नई विधानसभा बनानी है जिसके लिए चंडीगढ़ में विधानसभा बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एवं मुख्यमंत्री बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे बयान अखबारों में रहने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि इनका कोई औचित्य नहीं है। कंवल पाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं बचा, वह सिर्फ सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस लंबी यात्रा से उनका वेट और उनकी पार्टी का वेट कम होगा। चुनाव हरा रही है, आपने अगर स्पीच सुना होगा तो खाली चुनाव चुनाव की बात नहीं है। हम चुनाव के साथ साथ किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, गंगा जिले के रह सकते हैं, कैसे अपने कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं, उन सारी बातों की भी चिंता है। उन सारी बातों को लेकर हम विचार कर रहे हैं। और कई बार तो हमारी ट्रेनिंग में कई लोगों को लगता है कि आप राजनीति पार्टी कर रहे थे और सारा भाषण इस बात में ले लिया। हम चारों चारों तरफ उसका हर पार्टी चिंता करते, सरकार बनाना भी दे है, सर सरकार बनाना देने बनाना भी लक्ष्य है, लेकिन साथ साथ उस कल्चर के साथ उस सभ्यता के साथ साथ लेके चलना वो मानते मतलब कैसे है पंजाब का उसके ऊपर। जब चंडीगढ़ बसया तब ये जो उसमें से बाद में तीन स्टेट बन गए, उसमें हरियाणा बन गया, हिमाचल बन गया, पंजाब बन गया, तो ये तो इकट्ठी प्रॉपर्टी है। हम तीनों ही थे उस टाइम, हम इकट्ठे थे, सबकी तीनों इकट्ठी थी, तो उसमें अब सबकी हिस्सेदारी थी। 40% हमारा था, 60 पंजाब का था। ठीक है कि हमारा फैसला नहीं है इसलिए यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यूनियन टेरिटरी से तो मांगा हमने कि भी चंडीगढ़ में हमें विधानसभा, क्यों मांगा हमने? हमने इसलिए मांगा क्योंकि हमारे पास लगे कम, हमारा 40% शेयर है, पंजाब ने हमारा 40% दिया नहीं है, हमें उसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने कहा कि हम नहीं बना ले क्यों झगड़ा करो। हमें तो कुछ ही था कि हमारा पूरा पूरा देते, वो सारा का सारा जो है वो अभी हमारे पास कम पड़ता, इसलिए हमने मांगा। अब पीछे तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हम भी नहीं बनाओगे, मैंने कहा अपने वाली आप मर गए तो हमने भी बनाया, क्या बात थी? अगर आपने नहीं बनाने का होगा आप बना लो, हम तो पुरानी मेरे लगे इसमें हमें कोई सर कोई तुक नहीं है बात का। मैं तो ये पूछ रहा, कोई लॉजिक तो हो बात कहने का। हम अगर जमीन लेने लग रहे तो उसके बदले जमीन देने लग रहे प्रकार से संगठन को मजबूत, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी जैसे कोई लाभार्थी है उसके साथ संपर्क करना, किसी का काम है उसके उसका काम हो जाए उसके साथ अपना संगठन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सारा बात। अभी तक सरकार ने क्या तो वो सारा का सारा याद करना, आम आदमी की याद रहता कई बार चार कोई तरह आपकी सरकार ने क्या कर दी, मतलब क्या कर दी, वो सारा भी कार्यकर्ता के सामने रखना है। अभी तक हमारी केंद्र सरकार ने क्या काम किया, मोदी ने क्या क्या काम कर दिए, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या क्या काम किए, सरकार ने क्या काम किए, वो सारा भी चर्चा बार बार हो जाती है। निश्चित तौर से इसमें मॉरल बूस्ट होता है। कई बार मेरे अपने ध्यान में तरीके हमने क्या क्या काम कर दिए, नीचे काम करता है, बार बार याद कराने पड़ते हैं। कार्यक्रम से जो लोग हमारे जैसे फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके तो याद रहे, जो विधायक है उनके तो याद रहे, लेकिन आम कार्यकर्ता तो अपना रूटीन का काम कर रहा है, खेती कर रहा है, दुकान कर रहा है, नौकरी कर रहा है, डेयरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बेकार ही लोगों को भड़काने के लिए अखबार में रहने के लिए समाचारों में रहने के लिए सब कुछ चेक किया जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं, वो लॉजिक समाज के सामने बताएंगे क्या लॉजिक। वैसे चंडीगढ़ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लोगों को भड़काने के लिए जो असफलताएँ हैं उनसे, जो पंजाब में उनकी सफलताएँ उनसे भड़काने तो एक संगठन और वहाँ से ही ठीक है। कुछ लोग हम बाहर से भी आते हैं, उनको भी टिकट देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं उनके बाहर वालों को टिकट देते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयास होता है हमारा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम चुनाव लेते हैं, उन चार से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में कहीं इतना दमखम बचा, कांग्रेस तो केवल और केवल सत्ता की लड़ाई लड़ा, विचार उसके पास कहीं बचा नहीं है, उसकी जो फिलॉसफी थी वो कहीं भी नहीं है, वो केवल और केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ा। और ऐसे में लोग भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि साथ देखते हैं। तो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं जी, उसका क्या प्रभाव है? इतनी लंबी यात्रा करने से वेट तो कम हो सकता है, और कुछ होने वाला नहीं, उसका अपना भी वेट कम होगा, और मुझे लगता है कि अभी गुजरात का चुनाव है वहाँ भी वेट कम होगा, पार्टी का भी वेट कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे अच्छी
और कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने उसको अपनाया भी, वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। अभी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हीं की कही बात कर रहा हूँ, तो मेरे से कहा कि भाई आपने पॉलिसी बनाई कितनी सेटिस्फेक्शन लेवल है, मैंने कहा जी 92% है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ अनसेटिस्फेक्शन लेवल 92%। तो उन्होंने सारा उसको देखा, उसका अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा पहाड़ी राज्य है, थोड़ा सा सुधार करके हम जी इसको लागू करें।